हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, क्या चल रहा है? तो आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, बहुत खूबसूरत कुर्ते में। क्यों हैं ये खुद ही बताएंगे। आज जुमे का दिन है, अभी नमाज पढ़ने जा रहा है मैंने, इसलिए मैं कुर्ते में इसलिए आज दूल्हे बन के आ गए जी। सो हमारे दूल्हे तैयार हैं, रेड कलर का कुर्ता है, बट आप अपनी बेगम के साथ नहीं बैठे, आज आप रियल्टर के साथ बैठे हैं। देखिए मेरे भैया, आज मैं रियल्टर का ड्रेस पहन के आई हूँ, मुझे लग रहा चाहिए कि मैं बहुत फॉर्मल हूँ, बहुत क्या कहते हैं, मुझे पर्टिकुलर वो काम नहीं आ रहा है इसको, मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा फॉर्मल होता है वो होता है, लेकिन हम बात करेंगे। लेकिन टुडेज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और स्पेशली इट्स गोइंग टू बी वेरी फन फॉर पीपल लिविंग इन पाकिस्तान और इंडिया, और दे आर थिंकिंग टू मूव टू नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि आज और जो नॉर्थ अमेरिका में दे नो दिस, स्पेशली यूरोप वालों को पता होगा। एंड टॉपिक इज दिस, नॉर्थ अमेरिका में वेस्ट में घर कैसे लिया जाता है, क्या चीजें देखी जाती हैं, क्या ब्लंडर्स होते हैं, और हमने कैसे किया। मेनली इट विल बी आवर स्टोरी, बट उसमें पॉइंट्स आप लोगों के लिए बेहतर होगी, ताकि आप ना कुछ सीख सके, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने बहुत सारे ब्लंडर्स जो कि हमें नहीं करने चाहिए थे, डूज एंड डोंट्स जो है, तो मेनली उस पर भी फोकस रहेगा, बट हमारी स्टोरी के साथ साथ। तो मैं बिलाल से क्वेश्चंस करती चली जाऊंगी, तो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज बनेगी, और अच्छा मतलब हफ्ते में एक दिन चैट होनी चाहिए ऐसे, जैसे आप लोगों के लिए भी लर्निंग हो। सो यहाँ पे स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में घर पाकिस्तान इंडिया की तरह नहीं लिए जाते, वहाँ डिफरेंट होता है। वहाँ किस तरह घर लिए जाते हैं पाकिस्तान में? मैंने लिया नहीं घर कोई, लेकिन हमारे वालदैन ने तो हमारे लेकिन ये है कि वहाँ पे जो है ना, इस तरह से मुझे नहीं लगता कि अभी तक ये मॉर्गेज का और इस तरह का सिलसिला होता है वहाँ पे। आप कैश में जो है वो आप कैश में, मतलब आपके पास पैसे इतने हैं 5-6 करोड़ 10 करोड़ तभी आप घर का सोच सकते हैं, बट नॉर्थ अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो स्पेशली पाकिस्तान में पूरी जिंदगी आप काम करते हैं, और काम करने के बाद एंड में जब बुढ़ापा आता है तो आपका एक ख्वाब होता है कि आप एक घर लेंगे, उस घर में आप अपनी बुढ़ापा गुजारेंगे। लेकिन जब बुढ़ापे का टाइम आ जाए तो आपके बच्चों की शादियां, फिर लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। सो वेरी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओन अ हाउस इन पाकिस्तान इंडिया, बिकॉज जिन्होंने खुद बनाना होता है उनके लिए डेफिनेटली कि आप अपना मतलब सारी जिंदगी जो तुम कह रही हो करके वो करते हैं, लेकिन जिन्होंने इनहेरिट किया होता है लेकिन जब आप रह रहे होते हैं तो सीधी सी बात है, फिर लड़ाइयाँ होती है ना, जब आपकी शादियां होती हैं, बहुएं आती हैं, घर में 10-10 औरतें रह रही हैं, कुत्तों की तरह लड़ रही हैं। आई शुड नॉट बी यूजिंग दिस वर्ड विद माय हस्बैंड बिकॉज इट्स अ वेरी फॉर्मल वीडियो, बट या इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू ओन अ हाउस इन पाकिस्तान एंड इंडिया, बिकॉज उनको बहुत पूरी जिंदगी काम करके उनके ड्रीम में। तो यही अप्रोच हम जीन्स में साथ लेकर आए, अपना घर होने की ख्वाहिश। जब हम नॉर्थ अमेरिका जब भी सोचते हैं, हम सारे आते हैं, तो हमारे सबके दिमाग में यही होता है, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि एक प्रोग्राम में बताया गया कि इमिग्रेंट्स जो कनाडा में आते हैं वो अपने घर का ख्वाब लेके आते हैं। तो यहाँ पे घर लेना, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान एंड नॉर्थ अमेरिका, आप कुछ बताएंगे? देखें, हमने तुम्हें पता ही है कि कनाडा में भी 2-3 दफ़ा वो प्रोसेस कंप्लीट किया, और उसके बाद अब यूएस में भी किया लास्ट ईयर। तो यूएस और कनाडा का प्रोसेस मोर और लेस बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह मैंने कहा कि हमें इस तरह का इत्तेफाक नहीं हुआ। अगर मैं पाकिस्तान में 4-5 साल और रहता तो फिर शायद हम जो है वो घर लेते, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी, राइट? तो और दूसरा वाले साहब का घर भी है, तो वो भी उसकी वजह से भी हमें ज़रूरत नहीं थी। सो दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप आ जाएं, आपने बेसिकली कनाडा का पूछना है, राइट? तो हमने अपना पहला घर जो लिया था नॉर्थ अमेरिका में मूव होने के बाद, वो ब्रिटिश कोलंबिया में लिया था। तो आपने इसकी पिछली वीडियोज अगर देखी हो तो आपको पता चला होगा कि हम जब आए थे तो मैं मॉन्ट्रियल में काम करता था, और ये जो थी ये लंदन ओंटारियो में थी, फिर ये मूव हुई, फिर बच्चों की वजह से हमें वो जगह चेंज करनी पड़ी, लैंग्वेज का बैरियर था और इश्यूज थे, मुझे तो नहीं थे लेकिन फैमिली को थे। ये डिटेल में देखने के लिए आप हमारे आर स्ट्रगल्स एंड न्यू इमिग्रेंट्स इन कनाडा आप देख सकते हैं, वहीं से आगे फॉलो करेंगे कि हमने बीसी पे बंद किया था, हम मॉन्ट्रियल से ब्रिटिश कोलंबिया मूव हो गए। तो ब्रिटिश कोलंबिया में एक जगह है, उसको एबर्ट्सफर्ड कहते हैं। एबर्ट्सफर्ड जो है एक अच्छी लोकेशन पे है, इट्स 45-50 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम अ बिग आई वुड से अर्बन सेंटर है वहां पे, सरी का एक अच्छा बड़ा सिटी है, सड़ी वैंकूवर, और फर्दर वेस्ट में आप चले जाए तो वैंकूवर आ जाता है, और सरे और एबर्ट्सफर्ड के दरमियान में एक और बड़ा छोटा सा खूबसूरत सा शहर है, उसको लैंगले कहते हैं। लेकिन यह है कि हम जब मूव हुए तो हमें घर लेना ही पड़ा, क्योंकि वहां पे रेंटल सिचुएशन भी बहुत खराब थी।
एक्चुअली पाकिस्तान कनाडा में रियल एस्टेट मार्केट उसी टाइम पे खराब हुई थी, और सबसे पहले ये खराब हुई ही ब्रिटिश कोलंबिया में थी, वैंकूवर में हुई थी। और उसके बाद जब वहां पे उन्होंने कुछ रूल्स उसको फिक्स करने के लिए, सही करने के लिए लगाए, तो फिर वो सारी ओंटारियो में, ओंटारियो की तरफ चली गई। जब हम मूव हुए थे उस वक्त वहां का जो वैकेंसी रेट था रेंटल मार्केट में वो 0.1% था, यानी जो लोग थे वो छोड़ते ही नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम ये छोड़ेंगे तो हमें जो नई जगह पे जाएंगे वहां पे हमें मिलेगा नहीं। एंड रेंट्स वर वेरी हाई एट दैट टाइम। इमेजिन कि उस टाइम पे हम 2-bedroom कॉन्डो या ऐसे ढूंढ रहे थे, तो वी वर लुकिंग अराउंड लाइक 18-2000, और ये ऑन्टारियो में उस टाइम नहीं था। ऑन्टारियो में आपको, और हम एबर्ट्सफर्ड की बात करें, हम कोई बहुत बड़े वैंकूवर की बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट। और उसमें भी आपका एक चीज रेंटल पे आती थी, तो कितने लोग आते थे देखने? हाँ, उसको एक, अभी हम घर लेने की बात नहीं कर रहे, रेंटल की बात कर रहे हैं। तो रेंटल जो थे पहले तो वो नॉन एग्जिस्टेंट थे ही नहीं। जब हम वहाँ पे गए, जब मैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी में, जिस कंपनी में मैं काम करता था, एक एरोस्पेस कंपनी थी, वहाँ पे लकीली काफी अच्छी पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, छोटी थी, बट उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने कहा यार ये तो तुम भूल ही जाओ, राइट। तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं होगा, तो आप ऐसा करें कि आप घर लेने के बारे में सोचें। तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, और मुझे थोड़ा सा हम कोई होमवर्क नहीं करके गए थे कि एबर्ट्सफर्ड में कैसे होगा, कैसे मार्केट होगी, हमें कोई अंदाजा भी नहीं था, और हमें उस टाइम इतनी समझ भी नहीं थी, और प्लान्स में भी नहीं प्लान्स में भी नहीं था। लेकिन आप लोग सबके लिए हम बताते चलें कि एबर्ट्सफर्ड में बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी सिख कम्युनिटी, हमारे पंजाबी भाई रहते हैं, और बहुत बड़ी अमाउंट में रहते हैं, और वो बड़े सेटल्ड हैं, बहुत काफी अरसे से, मोर देन 70-80 years से वहां से रह रहे हैं। सो दे आर वेरी सेटल्ड, और उनका बड़ा, मतलब वहां पे आपको देसी ग्रोसरीज या देसी खानों का किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं है। यस, हम मुस्लिम्स के लिए थोड़ा सा हलाल शॉप्स, मीट शॉप्स का होता है, लेकिन अदर देन दैट, हाँ, लेकिन अदर देन दैट ऐसा कोई वहां पे प्रॉब्लम नहीं था। तो वहां पे एक मेरा सेंटेंस था ना, बेसमेंट है चढ़ गया ने, जब हम गए तो शुरू में तो सीधी सी बात है, हमें कंपनी ने 1-2 months के लिए आपको देते हैं, लेकिन आप कितना होटल्स और कितना उसमें रहेंगे और बाहर से खाएंगे। तो हम इनिशियली वहां पे देख रहे थे अपने रेंटल के लिए, बट हम जिस किसी रेंट में रेंटल में जाते थे तो 100-150-100 लोग पहले ही एप्लीकेशन पहले दिन ही चली जाती थी। तो वहां पे हमें किसी ने बताया था, और वहां पे दूसरा ये कि ब्रिटिश कोलंबिया में बेसमेंट्स जो होती हैं वो अबव ग्राउंड होती हैं, वॉकआउट बेसमेंट्स होती हैं, अबव ग्राउंड होती हैं, वो इसलिए होती है क्योंकि वहां पे अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं, सो दैट्स व्हाई वो अंडरग्राउंड बेसमेंट्स नहीं बनाते, वो ऊपर बनाते हैं। सो वहां पे काफी लोग बेसमेंट्स अपनी रेंट आउट भी करते हैं। जब हमें प्रॉपर कोई वो नहीं मिल रहा था, और आई वॉज फुल टर्म प्रेगनेंट, लाइक लिटरली लाइक 2 months हम अप्रैल में मूव हुए थे, और जून में मेरा ड्यू था। हाँ, तो हमें उन्होंने किसी ने कहा कि वालिद साहब भी हमारे इस वक्त साथ मूव किए थे, वो कनाडा आए हुए थे, तो मॉन्ट्रियल से, और ये फैमिली वे में थी, ये स्पेशली केम देयर फॉर टू हेल्प अस, मतलब फॉर दिस, वो आयमा होने वाली थी उस वक्त, और तो वालिद साहब मेरे साथ थे, तो मैं और वालिद साहब हम नमाज पढ़ के निकले, तो हमें किसी ने कहा कि जी यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब इस एरिया में एबर्ट्सफर्ड के, आप ऐसा करें यहाँ पे ना एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे आप चले जाएं, वहाँ पे ना बाहर वो आपको नजर आ जाएंगे, बोर्ड पे लिखे होते हैं, विचिट्स होती हैं कि जी ये नंबर, इस नंबर पे कांटेक्ट करें, बेसमेंट जिसने लगानी है। मैं वाले साहब ने कहा चलो यार वहाँ पे चल के देखते हैं, हम वहाँ पे चले गए, तो वहाँ पे एक खातून निकली बाहर, तो वो उनका वो मशहूर, वो जो आप कह लें कि उनकी एक लाइन थी, जब वाले साहब ने जाके उसके साथ पंजाबी वगैरह में पूछा, उन लोगों से एक दो लोग बड़े अच्छे थे, वेरी नाइस, एक प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर साहब थे, वो प्रोफेसर साहब अपना बताने लग गए कि देखें ये वेस्ट एबर्ट्सफर्ड है, आप यहाँ पे देख लें, आप ये सेंटर है, ये ईस्ट है, यहाँ के स्कूलों की रेटिंग्स अच्छी हैं। तो यूजुअली किसी भी शहर में अगर आप नॉर्थ अमेरिका में जाएं, तो जो वेस्ट का एरिया है ना, दैट इज कंसिडर्ड टू बी मोर पॉश, और वहाँ के स्कूल्स और वहाँ की चीजें अच्छी होती हैं, और जो ईस्ट होता है ना वो थोड़ा सा जरा ब्लू कॉलर एरियाज हैं, या आप कह लें कि उस तरह के एरियाज होते हैं, लेकिन एबर्ट्सफर्ड में उल्टा है, एबर्ट्सफर्ड में वेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी, यू नो, नहीं वेस्ट इज कंसिडर्ड वेरी गुड, नहीं गुड, लेकिन वहाँ के स्कूल्स और वहाँ पे तो होता, और ईस्ट पे जो थे वो जरा ज्यादा गोरे थे, तो वहाँ पे वो जरा थोड़ा सा पॉश कंसिडर किया जाता था कि यहाँ के स्कूल्स मैकमिलन एलिमेंट्री और एक दो और अच्छे स्कूल्स थे, तो ज्यादातर हमें लोगों ने कहा वहाँ पे रहें। तो वो जो हमारे सिख भाई थे उन्होंने भी बताया कि जी आप अगर इधर रहेंगे तो इसके ये प्रोज हैं, अगर आप उधर रहेंगे तो इसके ये कौन है। तो वहां पे जब हम वो बात कर रहे थे तो एक खातून आई, काफी बड़ी उम्र की थी, उन्होंने जब वो मतलब सारे पंजाबी में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा चढ़ गई है बेसमेंट,
तो उनको मतलब उनके आज आज तक हम लोग जो तो आज मजाक तक में वाले कहते साहब हैं जो हैं बेस वो बेटा, उस क्या चीज पता तो बेस को बेटा चढ़ ये गया। रिकॉल करते हैं कि यार वो बेसमेंट ना चढ़ गई है, लेकिन वो ये है कि वो तो एक वैसे था। तो फिर हमने क्या किया कि मतलब अपनी वो सर्च को बढ़ाया और वो चीजें की। मतलब तो हमें इनिशियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट, और वही हुआ कि वी एंडेड अप गेटिंग अ वॉकआउट बेसमेंट इन द ईस्ट ऑफ द एबट्सफोर्ड, या बिकॉज वी और वांटेड टू, हम लोगों को बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना था, थिंग्स हमें प्रॉपर स्टार्ट करनी थी, और आई वाज फुल टर्म प्रेग्नेंट, और हमारे दिमाग में कहीं प्लान नहीं था कि हम अपना घर लेंगे क्या करेंगे। बट जैसे ही वो वॉकआउट बेसमेंट में गए, वही मेरे प्रॉब्लम जो मैंने बताया ना, मुझे प्राइवेसी चाहिए होती है, मैं बाहर भी हूँ, और अब बेसमेंट में, वही मैंने आपको अच्छा, वो बताया बहुत है। अच्छी फैमिली हाँ थी बहुत अच्छी थी, और घर भी बहुत अच्छा था, और वॉकआउट था, इट वॉज 2 बेडरूम एंड, बट अगेन मतलब मुझे वही वाली एक बात सरदार है। फैमिली थी ईस्ट एबट्सफोर्ड में, और हमारे बच्चों को वहां पे मैकमिलन एलिमेंट्री में दाखला भी मिल गया, सब कुछ हो गया। अब मैं अपना दफ्तर भी जाना शुरू हो गया, वालिद साहब भी सेटल हो गए, आयमा भी आ गई। अब जैसे ही वो आयमा आई तो आयमा इसने नहीं आई, क्या, आयमा आयमा के के आने आने से से एक पहले दो दिन ही पहले इसने कहा जी मैंने तो यहाँ पे आयमा के बाद नहीं रहना। हमने कहा यार ये क्या फिफ्टीन बात है। ट्वेंटी डेज तो बाद इसने कहा कि भाई मैं तो यहाँ पे नहीं रह सकती। हालांकि अबव ग्राउंड बेस में बड़ा अच्छा खुला एरिया था, बच्चे खुश थे, हम जाके वहां पे पार्ट्स में जाते थे, सब कुछ। इसने एक नया रोना धोना डाल दिया कि जी वालिद साहब मैंने तो यहाँ पे नहीं रहना, बिलाल को कहें मुझे यहाँ मुझे से डिप्रेशन निकालें, हो रही थी। और ये है वो। अच्छा, हमने कहा यार अब इसको क्या करें, वालिद साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा यार बेटा तुम देखो आगे ना थोड़ा सा और देखो। तो मैं एक दिन दफ्तर के बाद मैंने फोन किया, तो उन्होंने कहा जी कि एक वो मार्शल रोड थी बड़ी वहां की मशहूर, राइट, तो वहां पे वो एक सेंटर में हॉस्पिटल के करीब एक वो एक नई टाउन होम की कम्युनिटी बनी थी। और वो मुझे बाद में पता चला कि एक सरदार ही बिल्डर थे उसके, और उन्होंने वो बनाई थी। तो वहां पे जब मैं गया तो एक सरदार बरार साहब थे, उनका पूरा नाम मुझे अभी याद नहीं है, मैं लूंगा भी नहीं, वो वहां पे खड़े हुए। तो उन्होंने मेरे से पंजाबी में, आदत थी मुझे भी जरा गपशप लगाने की, तो वो बड़े एक वो हो गए, घुल मिल गए, और मुझे कहने लगे यार तुम आए हो इधर तो कोई मसला नहीं, तुम तो मतलब जॉब वगैरह भी करते हो तो कोई मसला नहीं, मैं अपनी। अच्छा, वो खुद रियल स्टेट एजेंट नहीं थे, उनकी बेटी थी और उसका नाम था मतलब नाम वो ना ले, नाम नहीं मैं लेता, लेकिन ये है कि लोगों को बताना जरूरी है क्योंकि वो बंटी और बबली टाइप थे, मियाँ बीवी। तो उन्होंने क्या किया कि उसका नाम था जसप्रीत, लेकिन उसको वो अपने आप को जैज बुलाती थी। तो उसने कहा मैं जैज को कहूंगा तो वो जैज जो है ना जस्सी को कहूंगा, जस्सी जो है ना वो आपको। अच्छा, मैं ऊपर गया तो वो जस्सी वहां पे बैठी थी, मैंने उसका नाम लिया कि जस्सी आई एम हियर योर फादर। उसने कहा आई एम नॉट जस्सी, आई एम जैज। तो मैं क्या यार रहते बड़ी मतलब के वो। उसने कहा जैज हूँ, मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो जैज से बातचीत की, तो मैंने कहा ये अब ये टाउन होम हमें चाहिए और मेरी इसरा बेगम उसमें है, यू नो फैमिली में मैं। उसने कहा ठीक है, आप इतना डिपॉजिट करवा दें, ये वो है आप ले आए। मैं कहा ठीक है, मैं अपने वालिद साहब को भी ले आता हूँ साथ ही, हमारा हम वहां पे रहते थे तो वो भी एक दफा देख लें। और वो जैसे ही उसको चेक करते हैं तो अच्छा मैं वालिद साहब को ले आया। वालिद साहब को लाया तो वो बरार साहब बाहर खड़े हुए थे, तो उन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ गपशप हो गई उनकी। अब उन्होंने उस वालिद साहब को कहा कि यार यूनुस साहब तुम इस तरह करो, और वालिद साहब हमारे खुले डुल्ले किस्म के बंदे, उन्होंने उसको बंद को बता एक्चुअली भी दिया। अपनी अपनी हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि व्हेन वी आर इन नॉर्थ अमेरिका, तो कोई अपनी बात करने वाला हो या कुछ करने वाला हो, तो हाँ हम तो समझते अच्छा हैं हमारे सगे हैं, ये हमारा एग्जैक्टली सबसे अच्छा जानते हैं, और ये हमारा जो कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं, हाँ ये विद पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है। मैं आपको वैसे बीच में पॉइंट आउट हाँ कर रही हूँ कि लेकिन वो आपका इन द रियल वो कोई भला नहीं कर रहे होते, और वो इसमें अपना किसी को फायदा कर पॉइंट रहे आउट हैं। करने की जरूरत नहीं है, हमारे बाद में भी आपको बताएंगे, हाँ क्योंकि हमें बिल्कुल, फिर ये तो एक हमारे सरदार नहीं मैं बता रही हूँ, कम्युनिटी थी, सरदार और अपने देसी भी, हम पाकिस्तानियों ने तो भी यही चले किया गए था। थे, हम सबके एग्जैक्टली साथ तो मतलब खा उन्होंने चुके हैं। वाले साहब आए, उन्होंने उनको बता दिया कि मेरा बेटा एक एरोस्पेस इंजीनियर है, वो फलानी फलानी कंपनी में काम करता है। उन्होंने जब सुना, उन्होंने कहा यार ये तो मेरे ऑटोमेटिकली मेरी झोली में एक जो है ना वो बंदा आके गिर गया है, तो मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप अपने बेटे को कहें कि इसका ना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, वो वो जो रेंटल का। रेंटल का। तो वो मैंने कर लिया, हम उधर मूव होना था हमने। और साथ ही उन्होंने वालिद साहब को मतलब उनसे उनकी गपशप शुरू हो गई, ये वो आगे पीछे, तो उन्होंने हम उसमें मूव हो गए, वो भी वालिद साहब ही थे। फिर क्या हुआ कि अब नहीं, मूव होने से नहीं, पहले ही मूव होने आप से पहले, मुझे हाँ मूव होने से पहले, सॉरी, उसी मीटिंग उसी में मीटिंग आपने में और उन्होंने इसी कहा, नेबरहुड में एक हाँ टाउन होम उन्होंने फॉर सेल कहा भी कि है। इसी कम्युनिटी में ना हाँ आपका घर था, मेरा ख्याल है हमारा घर था चौथा पांचवा, और जो सेकंड घर था उसी कॉम्प्लेक्स में वो जरा बड़ा था, दैट वाज लाइक प्रोबेबली 4 बेडरूम हाउस,
और थ्री बेडरूम था, फोर बेडरूम डबल कार गैराज, और वो फेस करता था रोड पे। वो भी एक आपको बताऊं कि कभी भी रोड पे फेस करने वाला जो घर है ना, नहीं लेना चाहिए उसमें आपको। वो हम भी बात करेंगे, लेकिन हम मतलब आपको बता रहे हैं कि मतलब उसी मीटिंग में आई वाजंट देयर। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि वो अपने ना, उनको जैसे ही पता चला कि यार ये फैमिली जो थोड़ी सी मतलब मुझे स्ट्रांग लग रही है, उन्होंने अपनी बेटी को भी हमारे वो जो अंग्रेजी, खुद तो वो बराज साहब अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते थे, उनकी बेटी बहुत तेज थी, तो वो उनको मैं कहूंगा वो दोनों मियां बीवी, उसका मियां और भी ज्यादा एग्रेसिव था। जैसे ही देखा तो उन्होंने वाले साहब को ऑफर किया कि यार यूनुस साहब तुसी ऐसा करो, अपने पुत्र को तुसी समझाओ कि ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पे ना आप जो है ना साथ ही एक घर है हमारे पास, ये आप खरीद भी लें, यानी आप ये ले लें, क्योंकि जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, बाय दैट टाइम यहाँ पे एक प्रॉब्ली उसमें रहती थी एक वियतनामीज फैमिली, बड़ी अच्छी फैमिली थी, वो रेंटल पे रहती थी, तो उन्होंने कहा ये आपका रेंट पे भी चढ़ा रहेगा और आप अपने बेटे को कहेंगे परचेज कर ले हमसे। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो घर जो था वो मतलब मुझे वाले साहब को भी अच्छा लगा, बगैर किसी किए हुए मतलब नॉट लोकेशन, उस नेबरहुड में स्कूल कौन सा लग रहा है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये बता दें कि नॉर्थ अमेरिका में घर, मैंने आपको बताया जैसे पाकिस्तान इंडिया में पूरे पैसे हो तब आप घर ले सकते हैं, यहाँ पे घर लेना थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे आप मॉर्गेज पे घर लेते हैं। मॉर्गेज क्या होता है, इट इज अ लोन यू गेट फ्रॉम बैंक, जो बैंक आपको देती है, और इसमें यह है कि मिनिमम डाउन पेमेंट पे, जैसे कार पाकिस्तान आपने 10% और 20% उस जमाने में तो 5% पे भी ले सकते थे, लेकिन अब डिफिकल्ट हो गया, अब कनाडा में मिनिमम 10-20% डाउन देना होता है, मतलब उस जमाने में तो ये था कि 5% पे अभी आप घर आराम से ले सकते हैं, लाइक आपके अकाउंट में 30-40,000 है तो उस जमाने में आपके जो फॉलोअर्स हैं जो कि कनाडा से, अगर वो थोड़ा सा याद करें तो 2015 के एंड में और 2016 के स्टार्ट में ना एक चीज आई थी, उसको कहते थे स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट ये होता था कि पहले हर बंदा कोई भी आता था जिसकी इनकम नहीं भी है वो घर आके ले लेता था, तो उन्होंने जब रेगुलेशन लेकर आए उन्होंने कहा कि यार ये हर बंदा यहाँ पे ले लेता है, हमें इसको थोड़ा सा टफ करना चाहिए। तो अगर नॉर्मल मॉर्गेज का रेट बैंक अगर आपको 2.5 दे रहा है तो वो उसके ट्वाइस जाके आपको चेक करते थे आपकी इनकम के हिसाब से, उसको वो स्ट्रेस डाल के देखते थे कि क्या आप वाकई अगले 5 साल में जितना ही आपका यहाँ पे कनाडा में होता है 5 years फिक्स्ड या 3 years वेरिएबल या 5 years वेरिएबल, इस तरह आप ले सकते हैं मॉर्गेज, तो उसके ऊपर कभी बाद में बात करें। तो वो चेक करते थे 4.9 पे 5% पे कि क्या ये बंदा ले सकता है या नहीं। और मेरी उस वक्त मतलब एक परमानेंट जॉब थी, एक अच्छी कंपनी में मैं काम करता था, तो वो और क्रेडिट हिस्ट्री एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो वो भी मेरी अच्छी थी, तो मुझे उन्होंने फॉरेन मॉर्गेज के लिए अप्रूव कर दिया और मैंने मेरा ख्याल है उस वक्त 15-20% वगैरह दे के तो एक टाउन होम जो था वो मैंने परचेज कर लिया। अब ब्लंडर हमारा सबसे बड़ा ब्लंडर ये कनाडा में आते ही कि हमने विदाउट डूइंग एनी होमवर्क उन बराज साहब की एक साल भी नहीं हुआ और वो जो था वो उनका, लेकिन वो इन लॉन्ग रन में हमें मतलब फायदेमंद हुआ। मतलब जब भी आप किसी घर में जाएं तो पहले 6-7 महीने आप खुद होमवर्क करें, किसी रियल्टर के साथ आप काम ना करें, क्योंकि रियल्टर के साथ जैसे ही आप पहला दिन मीटिंग करते हैं या उनसे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं, वो आपको फौरन से एक दो दिनों में परचेज कराने का डील कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको आपके बेनिफिट से कोई मतलब नहीं है, कोई गर्ज नहीं, उनको अपना बनाना है कि उनकी डीलिंग हो जाए, उनकी क्लोजिंग हो जाए, जो कि मेजोरिटी करते हैं। हाँ, गोरे मतलब अच्छे लोग भी हैं इस फील्ड में, बट ज्यादातर आप लोगों को फर्स्ट मीटिंग में जो मतलब इस तरीके से बातों से घेरना और ये शेरना होगा, सो हमेशा पहले प्रॉपरली होमवर्क किया करें, कहाँ घर लेना है, स्कूल क्या लेना है, किस तरीके का लेना है। लेकिन हमारी स्टोरी ये हुई कि हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंट बात बहुत इम्पोर्टेंट, ब्रिटिश कोलंबिया में एक अभी भी शायद जो लोग रह रहे हैं, मेरे ख्याल आपकी एक फॉलोअर एबर्ट्सफोर्ड की भी है, उसमें ये था कि ये रियल स्टेट एजेंट्स ना आपसे एक फॉर्म साइन करवाते थे, उस फॉर्म का वो एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पोटेंशियल परचेजर, आपका जो उनका क्लाइंट है, और जो है वो रियल स्टेट एजेंट जो है उसके दरमियान, कि आप इनके साथ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, अब आप इनके अलावा किसी और एजेंट से ना बात कर सकते हैं ना कुछ। अच्छा, हम चूंकि नए थे, हमें पता ही नहीं था, हमने वो साइन कर दिया, मुझे नहीं पता था कि क्योंकि ये उस सेलर के, यूजुअली होता क्या है, एक बायर है जैसे मैं था, मेरा एक एजेंट है, सेलर का एक और एजेंट है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप सेल करते हैं तो सेलर जो है वो उसको देता है एक परसेंटेज देता है घर की, जिसको तकरीबन 5% उसमें से वो अपना कट देता है उसको, कि भाई आपने मेरा घर बिकवाया है, तो होता क्या है उसमें से कि
2.5% यूजुअली जो है वो चला जाता है आपके सेलर के एजेंट को और 2.5 चला जाता है जो बायर का एजेंट होता है। इन्होंने इसमें मैं क्यों इनको बंटी और बबली कह रहा हूँ, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जब देखा कि यार ये तो एक पार्टी ऐसी है कि जो कि जिसको इसीलिए हमने अपने शीशे में उतार लिया, ये उस बंदे के भी एजेंट थे जो कि उस घर का ओनर था जो इन्होंने हमें टिकाया। इसको कहते हैं एजेंट्स की जुबान में डबल एंडिंग। इन्होंने दोनों तरफ से, इन्होंने सिर्फ वो 2.5% उस घर पे नहीं लिया, इन्होंने उस पे 5% कमाया। सो ये एक बहुत बड़ी चीज है। उसने हमें कन्विंस इस तरह किया कि जी ये अगर आपने घर ना लिया ना, देखें आगे मार्केट गिर आप नहीं, मार्केट हो जाएगा। हम डर भी गए थे, हम उससे पहले देख भी रहे थे। उस जमाने में ब्रिटिश कंपनी की मार्केट बहुत खराब थी लिटरली, मतलब हम उससे पहले एक दो घरों की वो ओपन हाउसेस जो होते हैं उस पे हम दो तीन पे गए थे और लिटरली आई वाज शॉक्ड टू सी लाइक 100 फैमिलीज इन द हाउस। एक एक घर पे मल्टीपल ऑफर्स होती थी, बिडिंग्स चल रही थी और वही जमाना था जब से कनाडा की रियल एस्टेट मार्केट खराब, पहले वो ब्रिटिश कोलंबिया में हुई थी वैंकूवर, और दैट वाज द टाइम 2016 की बात बता रहे हैं, 2015-16 और 16 के जून में जाके फिर वो सारी मार्केट शिफ्ट हो गई। और इसमें मैं अपने वालिद साहब को भी, मतलब हम और मैं उसमें इंक्लूडेड था, हम कन्विंस जो हुए थे वो इसलिए हुए थे कि इवन बिफोर साइनिंग डीलर, ये जो रियल्टर का कॉन्ट्रैक्ट है विद देम, मैं और वालिद साहब अक्सर आफ्टर माय वर्क, क्योंकि वो फारिग होते थे, मैं और वो चले जाते थे देखने के लिए अपनी कॉलोनी में, अपनी कम्युनिटी में, कि कौन से घर बिकने के लिए, लेट्स गो एंड सी के क्या है, ओपन हाउसेस होते थे उस पे हम जाते थे। और हमने कोई एक घर नहीं देखा, हमने शायद 100 घर देखे होंगे। एक घर जो अच्छी जगह पे, अगर अच्छी लोकेशन में है और वो ईस्ट एबर्ट्सफोर्ड में है, वेस्ट में नहीं है, और वहां पे एक एक घर पे 50-50, 100-100 बंदा आ रहा है, तो हम थोड़े से डर जाते थे, हम कहते थे यार ये क्या होगा। और एक घर की कीमत अगर लेट से किसी ने लेट से 6 लाख लगाई तो वो बिकता कितने का था, 1 मिलियन का। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2015 के एंड, 2015 के मिड की अराउंड और 2016 के स्टार्ट की, ठीक है। तो ये उन्होंने उस जमाने की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो ये हालात थे कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में उस जमाने में। और ये जगह एबर्ट्सफोर्ड जो है, इट्स नॉट वैंकूवर, इट्स नॉट सरी, इट्स नॉट यू नो, ये कोई टोरंटो नहीं है, ये एक 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 छोटा सा सबर्बन एरिया है जो कि आपका। और हमें ये भी नहीं पता था कि क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, लाइक मुझे अभी भी याद है वालिद साहब ने, जब वालिद साहब भी काफी इंप्रेसिव, वालिद साहब ये वीडियो देख रहे होंगे, और उन्होंने क्योंकि हम आए थे पाकिस्तान से, तो वी हैड नो आइडिया कि यहाँ के घर देखते वक्त क्या देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे घर आपको हमेशा कम्युनिटी के अंदर देखना चाहिए, जिसकी रोड अंदर जाती हो, मेन रोड जो जहाँ पे बसेस चलती हैं, वो घरों की रीसेल इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि यहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन वगैरह होता है। अभी हैड आइडिया कि हमारे वाले साहब का क्या कहना था कि यार ऐसी जगह होनी चाहिए मतलब नीचे उतरे ना तो बस मिल जाए उसको, घर के नीचे उतरे और बस खड़ी हो, मार्केट हो, ताकि रात को अगर दूध खत्म हो जाए तो भाई कनाडा और अमेरिका में आपका इस तरह आप परचूनों की दुकान से शॉपिंग नहीं करते, आप वहां पे बड़े बड़े कंसीडर एज अ बिग गुड थिंग, मतलब ये कि यहाँ पे सारा सिस्टम कार्स पे चलता है, लेकिन ये स्पेशली स्टूडेंट्स जो रहते हैं जिनको पास कार्स का इशू है, उनके लिए तो अच्छी बात है कि जैसे उन्होंने रेंट आउट करने हैं ऐसा, लेकिन जब आप घर रीसेल करते हैं, क्योंकि ये चीजें आती हैं लेते वक्त तो आपके लिए सब गुड 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 स्टार्स लगाते जाते हैं, लेकिन जब आप बेचते हैं तो ये चीजें बहुत ज्यादा कंसिडर होती हैं, घर की डायरेक्शन कंसिडर होती है, आपकी स्कूल रेटिंग, आपकी आप किधर, आपकी लोकेशन कहाँ है, आपके डायरेक्शन कहाँ है, कमरे किधर है, एवरीथिंग मैटर्स। अच्छा तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम जो थे वो उसमें फंस गए। अब फंस तो उसने मुझे कहा कि ये चाबी आप ले लें और इनके ऊपर ना ये टचअप्स वगैरह करवा दीजिएगा। मैंने कहा मुझे कहा, अब वो ना बंदा आ रहा है ना कुछ हो रहा है, पर उनकी कमिटमेंट्स जो थी कि जी मैं ये पहले 10 दिन में ये करवा दूंगा, 20 दिन में ये करवा दूंगा, मैं ऐसे करवा दूंगा, वो सब फॉल फ्लैट। अब जनाब ना फोन उठा रहा है कोई, ना कोई कुछ हो रहा है। एक्चुअली जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, डील हो जाती है, जो आपने मुंह से वर्बल चीजें कही होती है ना, वो कहीं भी रिटर्न नहीं होती। हाँ। तो दे आर नॉट डन। सो इस चीज का हमेशा ख्याल रखें कि जब भी आप घर परचेज करें, अगर किसी ने एक ब्रश का वो भी माना है ना, कोड भी माना है, इट शुड बी इन रिटन फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल इन सेंस, इन दिस सेंस के वो जो मुंह से बोलते हैं अगर वो रिटन लिखी नहीं है तो वो घूम जाते हैं, वो चाहे इससे कोई मैटर नहीं करता। तो वन शुड बी वेरी, मतलब स्पेशली द पीपल कमिंग, मैंने अगेन आपको बताया ना, हम समझते हैं हम गोरों के मुल्क में आ गए हैं तो हमारी जबान बोलने वाला होगा, वो हमारा सगा होगा, हमारे लिए बेहतर जानता होगा, हमारे लिए ऐसा नहीं है, इट डजंट वर्क लाइक दिस। यहाँ पे ज्यादातर, अब मैंने
जितने भी मेजोरिटी लोगों को धोखा खाते हैं या वो अपनों से देखा, अपनों है, से देखा है, यहाँ पर आपके साथ दूसरा जो गोरा होगा ना वो हमेशा ट्रांसपेरेंट होगा एज कम्पेयर टू अपना। अपने जो अपनी जबान बोलते हैं ना वो अपनी जबान में आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि इनका एक्सपोजर दूसरी दुनिया से ना हो। सो समहाउ यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद द पीपल हु स्पीक योर लैंग्वेज हु ट्राइज टू बी लाइक, मतलब हर बंदा ऐसा नहीं है, मैं कहती हूँ बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हैं, देयर आर गुड पीपल एज वेल, बट ये रियल एस्टेट मार्केट जो है ना इसमें पैसा bottom बहुत line, बहुत जल्दी ऊपर निकल जाता है। बॉटम लाइन ये है कि अगर आपको कोई अपने से ज्यादा मोर लॉयल देन द किंग लगे, आपकी जुबान में बात करे, हाँ, आपको शीशे में उतारने की कोशिश करे कि जी बस मैं ही आपका सबसे सगा हूं, और आप उसके बस जिसे कहते हैं ना घुल मिल ना जाए उसके साथ, क्योंकि वो आप इसके बाद भी हमारे साथ हमसे एक और एक वो कहते हैं ना एक दफा वो किसी का सांप का डसा दोबारा नहीं करता, बिलाल की क्वालिटी ये अपनों के साथ ज्यादा कर जाते हैं, तो हमेशा ही इवन पहला घर भी यही लिया, लेकिन ये हमने पहला घर इस बात की खुशी है कि जिस दिन आई एम बोर्न हुई हमने उसी दिन उस घर के साइन किए पेपर्स, हमने परचेज किया, बल्कि वो मेरे पास अभी आई एम पैदा हो गई थी, मुझे फोन पे फोन करें हॉस्पिटल में आके साइन हो रहा है, उसी दिन सुबह आई एम सिजेरियन से पैदा हुई और ये 12 बजे घर के, मैंने कहा कहां जा रहे हो, मैं उठ नहीं पा रही हूं लिटरली, मतलब उसने मुझे फोन किया कि भाई मुझसे ना वो पहला ड्राफ्ट जो है ना वो ले जाए, और वो पता नहीं हजार का था, मैंने कहा यार मुझे बच्ची पैदा हुई है, वो मुझे फोन पे फोन जान मेरी खाए, मैं कह अच्छा यार ठीक है ये ले जाए, खैर एनीवेज वो डील फाइनल हो गई, अब मैं उनको मतलब जो पूछ रहा हूँ फोन कर रहा हूँ, ना मेरा कोई फोन उठा रहा है, ना मेरा कोई मुझसे रब्ता कर रहा है, कोई तकरीबन महीना इसी तरह चलता रहा, फिर एक दिन मुझे वो बराज साहब किसी वो आते थे वहां पे कॉलोनी में, मैंने उनसे गिला किया, मैंने कहा बराज साहब आपने तो हमें ये सारी कमिटमेंट्स दी थी, उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं फिक्र ना करो मैं इंडिया चला गया था पीछे तुम्हें जस ने और उसने नहीं वो किया, मैंने कहा यार वो तो फोन ही नहीं उठा रहे अब, उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है मुझे बताओ क्या मसले हैं, खैर उन्होंने वो जो भी माइनर टचअप्स वगैरह थे वो करवाए, टीवी है और ये इस तरह हंस हंस के आपको बता रही है, इसमें एक मेजर सबसे बड़ा जो इसमें जो इस कहानी का ट्विस्ट है ना वो इसकी वजह से हुआ था, ये भी मैं आपको बता दूं, मैं और वाले साहब जो एबर्ट्सफोर्ड में वापस आए थे घूम घुमा के घर देखने के लिए और हम उनके शीशे में उतरे, उसकी सबसे बड़ी वजह इसकी एक कंस्ट्रेंट थी, क्योंकि हमने कुछ तकरीबन 10 से 15 दिन पहले एक जगह थी चिलावेक, बहुत अच्छी जगह, इतनी जबरदस्त जगह, एक आर्मी का गैरिजन, उनका एक्स वो आर्मी उनकी एक गैरिजन था जहां पे उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था एक लोकल कम्युनिटी में जहां पे सिविलियंस आके रहते थे, और बहुत अच्छी जगह थी, वहां पे मुझे एक बहुत ही अच्छी प्राइस में एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पे एक वो टाउन हॉल मिल रहा था जिसकी अंडरग्राउंड पार्किंग थी और गैरिजन क्रॉसिंग उसका नाम था, तो अगर आप में से कोई लोग वहां के हैं आपको पता चला होगा, अब तो गैरिजन क्रॉसिंग इज सिंपली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वो तो उसकी प्राइसेस तो आप कोई मैच ही नहीं कर सकते, तो मैं आपको बताऊं उस जमाने में मुझे याद पड़ता है कि तकरीबन 420K का वो घर था, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर दिया, उसके बाद उसमें एक कूलिंग ऑफ पीरियड था कि अगर आपने विद इन लेट्स से 20 डेज अगर आपने अपने मॉर्गेज का अप्रूवल ना जमा कराया तो वो डील जो है ना वो खत्म हो जाएगी, तो वो इसने वाले साहब के साथ और मेरे साथ लड़ाई की कि जी अगर बिलाल जो है वो चिला वैक में घर लेगा ना तो यू नो मैं मुझे कुछ distance हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं होगा, डिस्टेंस ज्यादा था, आई वाज न्यू इन कनाडा, आई वाज ऑन ड्राइविंग और मुझे इतना ज्यादा से न्यू बॉर्न मेरे पास होनी थी और मतलब न्यू बॉर्न बच्ची और बच्चों ने स्कूल जाना, somehow मुझे वो उस टाइम पे ये चीजें मेरे मतलब मेरे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी कि खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आया है तो वह मुझे इतना कॉल करना पड़ेगा, जो कि मेरी बेवकूफियां थी ऑफकोर्स, हर बंदे की इनसिक्योरिटीज और वो होते हैं, सो यस दैट वॉज द ब्लंडर। तो अब अगर वाले साहब सुन रहे हैं और मैं उनको और हम दोनों ने ये चीज डिसाइड की कि यार अब ये चिला बैक में भी नहीं रहने दे रही और वो जगह वो भी हमने डील जाने दी बिकॉज साइन करके उस कूलिंग ऑफ पीरियड में हमने उसको जब जाने दिया तो अब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, तो ना ये लैंगले में रहना लेना चाहती थी, सरे वाज आउट ऑफ क्वेश्चन, तो सिर्फ एबर्ट्सफोर्ड ही वो जगह थी जहां पे मेरी बिकॉज इनका ऑफिस वहीं पे था, तो आई वांटेड टू लिव क्लोज बाय, मतलब कि अगर 10 मिनट की ड्राइव पे ये हो, और तो ये ना इसके पास उस वक्त लाइसेंस था ना ये कोई इतना ज्यादा सोशलाइज करती थी ना वो तो ये मैं भी नहीं करती, ठीक है, तो उसने हमें काफी मतलब नुकसान पहुंचाया, उससे हुआ क्या कि हमें वो डील साइन करनी पड़ी और विद इन दोस कंस्ट्रेंट्स जो हमने, मतलब आप सोचो उस क्रेजी मार्केट में दिस वाज द ओनली टाउन होम जो बिक नहीं रहा था, हाँ
ये ओनली टाउन होम था जो बिक नहीं रहा था और हमें नहीं पता था। हमें ये नहीं, हम लोग इतने इनोसेंट थे, हम लोग को वाकई अंदाजा नहीं था और हम लोग उस टाइम दिमाग में हम कंफ्यूज थे क्योंकि लोग इस तरीके से ले रहे थे, हमें समझ नहीं आई व्हाट्स गोइंग ऑन बिकॉज हमारे दिमाग में नहीं था कि इस तरह क्रेजी मार्केट होती है। अब आपको पता ना किस तरीके से, तो दैट वॉज द ओनली टाउन होम जो कि उस जमाने में बिक नहीं रहा था और बाकी सारे क्रेजी घरों में लोग ले रहे हैं। और मुझे इस तरह पता चला कि उसका ओनर, मुझे कोई जो उसका ओरिजिनल ओनर था जो कि कहीं वैंकूवर में रहता था, उसने कोई मुझे कीज देनी थी अपने ये जो मेल बॉक्स की, और तो वो एजेंट के पास नहीं थी तो वो पर्सनली मुझे देने आया। जब वो मुझे देने आया और जहां पे मेरा इन लोगों से बंटी और बबली से मेन इख्तलाफ शुरू हुआ और फिर मेरी इनसे कभी भी नहीं बनी, वो ये था कि उसने मुझे कुछ ऐसी चीजें बताई उसके बारे में कि ये घर तो मैंने पहले भी लगाया था, ये बिका नहीं, तो ये आपको इन्होंने बताया नहीं या क्या था, वो था प्राइस भी हाई लगाई इसकी, प्राइस भी मैंने पहले चेंज की, फिर मैंने इसको लोअर किया था, फिर आपको नहीं पता। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार ये सारी चीजें तो मुझे ये एजेंट ने रिवील ही नहीं की, हालांकि इट वॉज पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी, क्योंकि वो आपके होता क्या है कि जब आप एक एजेंट के साथ साइन करते हैं वो आपके बेनिफिट के लिए बेनिफिट्स उसको देखना चाहिए, उसका एक उसकी ड्यूटी है, उसके लिए अंग्रेजी में टर्म इस्तेमाल की जाती है मेरे ख्याल फ्यूडिशरी बेनिफिट, के वो आपके इंटरेस्ट के लिए काम करता है, वो किसी और के लिए नहीं करता। मुझे अभी भी याद है उसमें वो लिखा हुआ था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसने क्या किया कि उसने अपना इंटरेस्ट देखा, उसने ना मेरा देखा ना उस सेलर का, उसका जो अपना सबसे ज्यादा 5% उसको कमीशन मिल रहा था, उसने एक ऐसा घर हमें टपा दिया जो कि रोड पे था, बिक नहीं रहा था और वो सारा कुछ। और प्लस जो मुझे बाद में चीजें भी पता चली इस चीज के बाद, मेरा दिल थोड़ा सा खट्टा हुआ, मैंने कहा यार इसको ही बताना चाहिए था। उस घर के अंदर अगर आप में से कोई लोग वहां पे रहते हो, ब्रिटिश कोलंबिया में वेदर जो है ना बड़ा मॉडरेट किस्म का क्लाइमेट होता है, वहां पे ज्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती, वहां पे ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती, ज्यादा बारिशें रहती हैं, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वहां का वेदर रहता है। तो वहां पे ना एक चीज होती है उसको बेस बोर्ड हीटिंग कहते हैं, तो सर्दियां उस दौर में जरा उस साल में थोड़ी सी ज्यादा पड़ गई थी जो कि यूजुअली ब्रिटिश कोलंबिया के हिसाब से थोड़ी ज्यादा थी। तो होता क्या था कि वो जो हम चलाते थे बेस बोर्ड हीटिंग होती है, सेंट्रलाइज हीटिंग नहीं होती, वो गैस पे नहीं चलती, फर्नेस बेस हीटिंग नहीं होती, वो इलेक्ट्रिक उसके ऊपर चलती है और वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है बेस बोर्ड, क्योंकि वो नीचे जमीन पे लगा हुआ होता है और समहाउ उसको पूरे कमरे को गर्म करने में और वो करने में काफी टाइम लगता है। तो आप जितना मर्जी अपना टेम्परेचर, आप उसको जब कमरे में नहीं है आप लो कर दें या जो भी आपने मैनेज करना है, जो भी आपका तरीका कार है, वो उस तरह से नहीं चलता उसमें। वो मैंने जनवरी का महीना नहीं, जैसे ही तकरीबन अक्टूबर नवंबर में सर्दियां आई वहां पे, तो मेरा बिल जो इलेक्ट्रिसिटी का था ना वो उस जमाने में $600 आ रहा है, $700 आ रहा है। मैं हैरान, मैंने कहा यार ये टोरंटो जैसी सर्दी में जो कि प्रॉपर मॉन्ट्रियल में मेरा 200-250 बिल आता था, यहाँ पे 600-700 बिल कैसे हो सकता है। मैंने अपने जो कुछ पाकिस्तानी दोस्त थे जो कि वहां पे पिछले 10-15 साल से रह रहे थे, बड़े अच्छे लोग थे, उनको मैंने एक दिन बुलाया, उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा यार ये इस तरह मुझे हो रहा है। उसने कहा यार तुम्हारे घर में किस किस्म की हीटिंग है, मैंने कहा यार बेस बोर्ड है। कहता हो गया ना तुम्हारे साथ हाथ, मुझे अभी भी याद है। तो उन्होंने बताया मुझे, मैंने कहा यार देखो ये सबसे यहाँ पे नॉर्मली नॉर्थ अमेरिका में जहाँ पे ठंडे एरिया है वहाँ पे हीटिंग मेनली फर्नेस बेस्ड होती है, मींस गैस से चलती है, वो चीप पड़ती है। नॉर्मली अगर आपकी घर में हीटिंग इलेक्ट्रिक है तो वो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो यही हुआ कि हमारी वहाँ पे हीटिंग, हमें नहीं पता था, वही वाली बात है, मैंने बताया न्यू कमर्स के साथ बहुत ब्लंडर्स होते हैं, तो हमें नहीं पता था, तो वो हीटिंग की वजह से उसके बिल भी बहुत ज्यादा आए हैं। इन चीजों से पता सीखता है। I mean, आप जितने भी ब्लंडर्स करते हैं उससे आपके लिए ब्लंडर वो नहीं रहता, इन द एंड इट बिकम्स अ लेसन फॉर यू और नेक्स्ट टाइम आप नहीं करते। लेकिन हम वो लोग हैं जो कि एक गलती से नहीं सीखते, वी वांट टू लेसन लर्न। मैं आपको बताता हूं, उसको पता चला कि मुझे फिर मैंने मूव करना था, आफ्टर मैं ज्यादा रहा भी नहीं उस घर में, आई हैड टू मूव टू टोरंटो, मुझे वहां से एक ऑफर आ गई, आई टुक अ पोजीशन इन टोरंटो, मैं वापस चल जा रहा था। उसको पता चल गया कि मैंने उनको बताया, बराज साहब एक दफा आए थे कि जी वो हमने जाना है, उसने अपने बेटी को बताया, उसने अपने हस्बैंड, अब वो मेरे पीछे कॉलों पे कॉलें कि जी मुझे ना आप अपना घर दे दें, मैं आपका घर जो है ना वो बिकवा देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ। मैंने कहा बेटा नहीं, एक दफा जो है ना तुमसे मैं डसा गया हूँ, अब तुम्हें मैं दोबारा कभी भी नहीं दूंगा। वो मुझे कहे मेरे पास इन्वेस्टर्स हैं, मैं वैंकूवर में डील करता हूँ, और एक हमारे ये जो देसी रियल स्टेट एजेंट से बच के एक वजह और भी है, ये आपको बहुत बड़ी बड़ी कहानियां देंगे, मेरे पास इन्वेस्टर हैं, मेरे पास, वो आके कैश में घर उठा लेते हैं, वो ये कर देते हैं। कभी मत माने उनको,
बिकॉज ये सब इनका एक इनके इनकी इनकी आपको कन्विंस करने के लिए झूठ पे झूठ, वो आपको झूठ बहुत जल्दी आपको एक्सपोज हो जाएंगे. और ये ज्यादातर हमारे जो है ना ये देसी जो है ना वो करेंगे, चाहे वो पाकिस्तानी रियल्टर हों, चाहे वो सरदार रियल्टर हों अपने नॉर्दर्न इंडिया के या कोई भी हो, ये इनकी एक खासियत है कि आपको गोरे से करना है. अगर आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग करनी है गोरे के साथ करें, वो अगर आपको थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा भी ना तो वो आपका नुकसान नहीं करेगा, एक बहुत ज्यादा बड़ा कोई आपका नुकसान नहीं होगा. उसके साथ ये है कि जब आपकी डीलिंग होगी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, जो आप लिखेंगे कि जी ठीक है मैं आपको इतने परसेंट इसमें से आपका परसेंटेज होगा वो उसी पे रहेगा, हर चीज आपकी लॉ के मुताबिक चलेगी, क्योंकि वो लोग ना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आपके साथ डील करते हैं. अब ऑल्दो कि वो भी अब थोड़ा सा हमें देख के देशियों को पलूट हो गए हैं, कुछ हो भी रहे हैं, लेकिन ये है कि बाय एंड लार्ज इन जनरल एक्सपीरियंस जो है ना आपका उनके साथ डील करने में बेहतर होगा. तो मैं ये नहीं कह रहा कि हतुल वसा उनसे बिल्कुल ही अवॉइड करें, बट ये है कि जनरल अच्छा, कम से कम मेरा अच्छा नहीं था. मुझे कुछ हार्ड फीलिंग्स जो है वो बिल्ड हुई उन लोगों की वजह से, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बेटर फ्रॉम देम. लेकिन जब मैंने सीख ली कुछ चीजें तो मैंने कोशिश की कि उनको मैं उन गलतियों को दोबारा ना करूं. लेकिन नेक्स्ट टाइम उससे बड़ी गलती की वो आपको बाद में बताएंगे. लेकिन ये है कि कम से कम उस लेवल तक जब तक हमने वो बेचा नहीं. अच्छा, जब हमने उसको बेचा भी ना तो हुआ क्या कि मार्केट जो थी वो हमारे साथ यही होता है, जब हम लेते हैं तो हम हाई मार्केट में जाते हैं. ये कुछ लोगों के साथ ये है, उनकी किस्मत में ना पैसों की लाइन नहीं होती, वो उसमें होती है कि जब वो लेने जाते हैं तो घर अवेलेबल नहीं होते एक तो, और जो अवेलेबल होते हैं वो बहुत ज्यादा हाईली प्राइस्ड होते हैं, और लेकिन जब हम बेचने जाते हैं तो मार्केट डाउन हो चुकी है, रिसेशन आ चुका होता है, लोग कहते हैं ये क्यों लेगा हाँ. इसमें ऐसे कौन सी बड़ी बात हाँ. है तो वो बेसिकली बायर्स मार्केट में कन्वर्ट हो चुकी होती है. तो हमने भी हमारे साथ भी यही हुआ. अब जब वो मैंने सेल किया तो मुझे नुकसान नहीं हुआ, मतलब अगर मैं देखूं तो मैं ही कहूं कि मुझे नुकसान हुआ, लेकिन मुझे कोई बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं हुआ टू बी ऑनेस्ट विद यू. सो उसमें लर्निंग ये थी कि जब भी आप नया घर लें पहली बात तो ये है कि मतलब फॉरन से मत लें, और मतलब इतना भी ना सोचें. मैंने कुछ फैमिलीज ऐसी देखी हैं जो कि 10 साल से सोच ही रही हैं. मतलब अगर वो घर 10 साल पहले 3 लाख का ले लेते ना तो आज बिलियनेयर्स होते हैं लिटरली. मतलब आई हैव सीन फैमिलीज हु इज थिंकिंग के अभी अगले साल इकट्ठे करेंगे डाउन पेमेंट तो ले लेंगे, अगले साल इकट्ठे करेंगे. रियल स्टेट मार्केट बहुत ही जस्ट लाइक स्टॉक एक्सचेंज और ये जुआ है, इट इज टोटली बबल. आपको समझ नहीं आती अभी क्या कनाडा में घर लेना, मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया टू बी ऑनेस्ट, स्पेशली इन ओंटारियो. ओंटारियो में तो जीटीए में स्पेशली जो ग्रेटर टोरंटो एरिया है वहाँ पे लेना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया. इसलिए कि जो भी नए इमिग्रेंट्स आते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि कोई भी, चाहे आप मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, चाहे आप इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान में आ रहे हैं, आप कैनेडियन डॉलर्स में नहीं कमा रहे, राइट? आप उसको कन्वर्ट करेंगे, जो भी आपकी सेविंग है जिस तरह से भी है वो अब उतनी नहीं होगी जो कि आप 2013-14 में जब आप आते थे तो वो आप उसको कन्वर्ट करते थे तो आप ले लेते थे. अब ये हो गया है कि प्राइसेस ओवरऑल जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं वहां पे. एक आम किसी ने ना टिकटॉक पे छोटे छोटे वो बना के कि एक 3-story टाउन होम जिसका वो कहते हैं इतना सा है 1.4 million ब्रैम्पटन में. लेकिन कितना ठीक होंगी मतलब, अगर एक चीज जो ये वाला था वो 2 lakh का मिलता था पहले, मतलब 200,000 का, वो मिलियन पे चला गया तो वो 8 पे आ जाएगा. लेकिन कितना कम हो जाएगा वो जो हम देखते थे 2014 में तकरीबन 2-2.5 lakh का एक टाउन. 2014 में तो इंडिपेंडेंट घर जो 1.2 million का ब्रैम्पटन में किसी ने दिखाया, 1.4 million का रहा था मुझे अभी याद है, कोई 3-4 महीने पहले किसी ने वो टिकटॉक शेयर किया हुआ था, जो कि अब अगर गिरा भी होगा तो मैक्सिमम 1.2 पे आ गया होगा या 1 मिलियन पे आ गया होगा. लेकिन अब आप खुद बताएं एक 1 मिलियन का घर लेना, मुझे तो उसका पाकिस्तानी मैं कन्वर्ट भी नहीं कर पा रहा कि वो 20 करोड़ शायद बनता है जो इतना सा वो है. तो अब आप इमेजिन बताएं 1100 square feet का या 1300 square feet का, तो वो अब आई डोंट नो मतलब वो किस तरह लोग अब लेंगे. क्योंकि अगर आपके पास पहले घर नहीं था कनाडा में जिसका आपने सेल किया और उसके बाद आपने उसका जो भी प्रोसीड्स थी उनको एक नए में नहीं लिया, अब एक बंदा जो नया आ रहा है, मैं अक्सर अपनी बेगम से भी कहता हूँ क्योंकि जिनको जो लोग नए लड़के बच्चे बच्चियां अच्छा, पेज इतनी नहीं है अच्छा, पेज नहीं बनी
आप उसमें से एक मिलियन का एवरेज अगर आपने मियां बीवी भी आए हैं चले आपका एक बच्चा है अगर आप आके एक छोटा सा कोई कॉन्डो या कोई मतलब टाउन होम लेने की कोशिश करते हैं उन एरियाज में जहाँ पे आप कहें अच्छा यार मैं ऐसी जगह पे रहूं जहाँ से मेरा ऑफिस करीब हो और वो जीटीए का एरिया ही है कि जी एयरपोर्ट हो करीब ऑफिस करीब हो कहीं आपने जाना हो किसी पार्क वगैरह में ये वो आगे पीछे तो आपके करीब हो डाउनटाउन आपके करीब हो उन एरियाज में तो आप सोचे भी मत क्योंकि अब वो 1.2 मिलियन से 1.3 मिलियन से एक एवरेज छोटा मोटा घर भी आपको मिलियन पे कितनी मॉर्गेज बनेगी 3500 मिलियन पे अगर आप डिपेंड करते हैं ना अभी तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया ना और आप इंटरेस्ट रेट्स भी आसमानों को छू रहे हैं मतलब मुझे याद पड़ता है कि अब तो जिस तरह इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता विद इन मेरा ख्याल है कि 2-3 मंथ्स में मेरा अपना इंटरेस्ट रेट जो मैंने पता नहीं 1.6% पे लिया था 2020 में अपने एक टाउन होम का वो अब बढ़ के मेरे ख्याल 4% पे चला गया। Oh my God, और मुझे उनकी ईमेल आ रही है कि अब आपका इतना इंटरेस्ट हो गया है कि अब आपका हमें आपकी किस्त भी बढ़ानी पड़ेगी बिकॉज वो अब पूरा ही नहीं कर पा रही आपकी किस्त जो है वो उसमें जो आप पे करते हैं कहने का मकसद ये है कि इट इज सो डिफिकल्ट नाउ टू मैनेज एंड बाय अ होम यू नो इन कैनेडा और मुझे तर्स इसलिए आता है कि जो भी ये नए बेचारे जिस तरह हम लोगों को बताते हैं कि जी बस भी कैनेडा में ख्वाब लेके आते हैं ख्वाब लेके आता है इंसान हम यहाँ पे अपना घर बनाएंगे इट इज नॉट वो अब बात जो मिलेनियल्स हैं या जो मतलब आपके 35 से 20 से 35 साल की उम्र के जो यंग लड़के लड़कियां जो आते हैं काम करने प्रोफेशनल्स वो कैसे अफोर्ड करेंगे क्योंकि तनख्वाहें तो बड़ी नहीं है तो जॉब्स भी मैन्युफैक्चरिंग कनाडा में रही नहीं है सर्विसेज बेस्ड इंडस्ट्री है फाइनेंशियल आपकी ये फाइनेंस वाली साइड पे बैंकिंग में आईटी के अंदर जॉब्स हैं अमेज़न वगैरह में जो लोग का बट कितने लोग हैं जो कि आते हैं जिनको आते साथ ही वहां पे उस फील्ड में जॉब मिल जाती है इंजीनियरिंग वगैरह का काम मैं खुद इंजीनियरिंग सेक्टर से हूँ मैं खुद यहाँ पे अमेरिका में बैठा हूँ क्योंकि वहां पे जॉब्स जो है वो इतनी रही नहीं है जो है वो इतनी अच्छी आपको पे नहीं करते तो कहने का मकसद ये है कि कनाडा में रहना नो डाउट कि मुझे आज भी कोई कहे कि वापस ले दो मैं कनाडा में रहना पसंद करूंगा लेकिन अब मैंने अगर वहां पे रहना है मैंने वहां पे जॉब करनी है मैंने अपना एक डिसेंट लाइफस्टाइल मेंटेन करना है ग्रोसरीज बहुत महंगी हो गई है तो वो करना बहुत मुश्किल हो गया है या थिंग्स आर गॉन और स्पेशली वो तो छोड़े गाड़ी की इंश्योरेंस ओ माय गॉड I mean, can you imagine कि गाड़ी की आप किस जो है आप सिंपल नई गाड़ी छोटी आगे करोला निकलवाते हैं तो वो जो है उसकी कितनी आपकी वो बनती है लीज की 250 या कुछ कितनी 300 होगी डिपेंड करता है ना कौन सी गाड़ी करोला में सिंपल बेसिक की बात कर रही हूँ पाकिस्तान में करोला बहुत बड़ी समझी जाती है यहाँ पे ये सब बेसिक का सो बेसिक की 3 होगी मेरे ख्याल में 315-320 होगी उसकी लीज और आपको पता है अगर इफ यू आर लिविंग इन ब्रैम्पटन और मिसिसागा आपकी उसकी इंश्योरेंस कितनी होगी 600-700 भी ले लेते हैं किसी से खरीद लेते हैं लेकिन उसके बाद इंश्योरेंस तो आपको देनी पड़ेगी आप उन एरियाज में रहते हैं मिसिसागा ब्रैम्पटन मार्कम ये जितने भी एरियाज हैं वहां पे इंश्योरेंस तो आसमानों को छू रही है इवन मैं जब वहां पे रहता था आई यूज टू पे अराउंड $300-$350 अ मंथ फॉर वन कार आई मीन फॉर आई थिंक या फॉर टू कार्स इनिशियली बट देन हमने वो वाली तो कहने का मकसद ये है कि अब तो आसमानों पे चला गया है इंश्योरेंस भी और वो कहते हैं कि नहीं यहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं हर एरिया का हमारा सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है ब्ला 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 तो ये इस वजह से जो है ना वो देसी इलाकों में एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं लोग रिस्पेक्ट नहीं करते आपके लॉज को फाइंस होते हैं ये वो तो उनके सिस्टम में वो बढ़ता चला जाता है और वो आपके प्रीमियम्स जो है वो बढ़ जाते हैं सो लाइफ इन जनरल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट इन ऑल ओवर नॉर्थ अमेरिका बट पर्टिकुलरली इन कनाडा और पर्टिकुलरली इन दोज एरिया जो बड़े बड़े सिटीज हैं GTA और आपको अपने घर की कहानी तो बताई है चलिए फिर इसी पे खत्म करते हैं बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया है फिर इंशाल्लाह आप लोगों से कब लगेगी और डिटेल में बात होगी और होपफुली इस एपिसोड से आप कुछ हमारी बातें सीख सकें और आगे हम आपको बताते रहेंगे अपना ख्याल रखें बाय बाय टेक केयर